प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री से विपक्षियों में जहां खलबली मची हुई है, वहीं कांग्रेसी गदगदाए हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राज बब्बर ने कहा कि प्रियंका गांधी का इंतजार पूरा यूपी कर रहा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के हर निवासी के दिलों में बसी हुई है। कल रोड शो के बाद विपक्षी खेमों में मातम सा छा जाएगा। प्रियंका गांधी के यूपीए दौरे को लेकर के आज हमारे संवाददाता ने राहुल गांधी के सांसदीय क्षेत्र अमेठी में अमेठी की जनता से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं प्रियंका गांधी को लेकर के अमेठी की जनता क्या कहती है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनी है, उनका करिश्मा है, भीड़ भी आएगी और वोट भी आएगा। क्या प्रियंका गांधी चुनावी भाग्य को बदल पाएंगी? कांग्रेस के चुनावी भाग्य निश्चित ही बदलेंगे और पूरे देश में उनके आने से, कार्यकर्ताओं में और पूरे जो है देश में उनको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है और आने वाला समय, आने वाला भविष्य वो कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। वोट में कन्वर्ट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत देर हो गया और वो चुनाव के समय ही दिखती हैं भाई। उनको अगर भीड़ बटोरना है या भीड़ लोगों के बारे में सब कुछ जानना है तो उनको पहले से यहाँ रहना चाहिए। यहाँ उनके बारे में सब लोग जाने और वो भी जो लोगों के बारे में जाने, जनता के बारे में क्या तकलीफ है उन लोगों को, वो चुनाव के समय ही आती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं अमेठी से हूँ। प्रियंका गांधी भीड़ जुटा पाएंगी लेकिन क्या वोट में कन्वर्ट होगी? वो बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए उसमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है, उनकी हर चीज बताती है कि मतलब ऐसा कर सकती है। नहीं, ऐसा है कि महिलाओं के प्रति जो महिलाओं का प्रेम है, आकर्षण है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है और इसका फर्क तो आएगा ही। लेकिन हमारे पास ही प्रायर ब्रांड नेतृत्व है, माननीय स्मृति ईरानी जी हैं और भी हमारे कई ऐसे महिला मोर्चा में और तमाम सारे फायर ब्रांड हमारे पास भी नेता हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस के चुनावी भाग्य को बदल पाएंगी प्रियंका गांधी? अब ये तो महिलाओं का प्रेम है, महिलाओं में ज़्यादा अटैच हो जाता है तुरंत। और प्रियंका गांधी वैसे भी राजनीतिक गुण उनमें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, कांग्रेस आलाकमान ने उनको महासचिव बनाया है। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी कल लखनऊ से एक रोड शो करेंगी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता एवं मंत्री शामिल रहेंगे। इसी सिलसिले में आज हमने अमेठी के जनता से उनकी राय जानना चाही कि क्या वाकई प्रियंका गांधी के आने के बाद से कांग्रेस को फायदा मिलेगा, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। पक्षियों का मानना है कि प्रियंका गांधी में राजनीतिक गुण तो हैं, लेकिन उनके पास भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उनको वोट दिलाने में सक्षम हैं। वहीं कांग्रेसियों का ये मानना है कि प्रियंका गांधी भीड़ जुटाने में समर्थ रहेंगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वो उस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगी। अमेठी से एबीएन समाचार के लिए मैं कुमैल रिज्वी। लखनऊ से एबीएन समाचार के लिए दीपक पांडे के साथ अमेठी से कुमैल रिज्वी की रिपोर्ट।